क्योंकि वजह की जरूरत है हर बार चिल्लाते रहते हर बार ये रुलाते हैं आपको इस बार क्या वजह बनी है इस बार पता नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया है इनके ऑफिस वालों ने मेरा वीज़ा जो एक्सटेंड होने वाला था इनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर की वजह से हम लोग कुछ नहीं हो रहा है तो आई एम गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क तो इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ तो आप नहीं चाहते हैं। नहीं अरे नहीं मैं नहीं चाहता हूँ वो जाएंगी भी नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि इतना गुस्सा हो जाती हैं तो जब तक कोई इंसान उनको एक्सप्लेन करके बताए तब तक वो ऐसे बम फोड़ के ऐसे भाग जाते हैं हाँ लेकिन इनसे बड़े बड़े बॉम्ब नहीं फोड़ सकती मैं जो कि कुर्सियाँ उठा के फेंक देते हैं और धार से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर चिल्लाते हैं ऐसा सब मैं कुछ नहीं करती हूँ मैं थोड़ा सा बस पूछती हूँ थोड़ा सा लाउडर वॉइस में और जब मुझे कोई समझाता है तो मैं समझ जाती हूँ ऐसे कान से ब्रेन के अंदर जाके वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करके पहले तो जो भी डैमेज किया गया अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन उसको रिकवरी टाइम लगेगा थोड़ा 5 मिनट फिर उसके बाद मैं जाके जो है समझाऊंगा कि बॉस देखो आई एम सॉरी लेकिन एक शिकायत है जोया को कि मैं चिल्लाती हूँ तो मेरे आंसू भी नहीं पहुँच रहे बस मुझे समझाने के पीछे पड़े हुए हैं तो ये मतलब शिकायत हाँ वो ऐसे ही है वो फिर हो रहा है कोई इमोशनल है और किसी को कुछ चीज़ बुरी लग रही है उनका ध्यान इसमें कभी भी नहीं होता उनका ध्यान इसमें होता है कि अगले ने कोई गलती करी है तो मैं उसे टोक दूँ बस मिस्टर खान को बस वही आता है मिस्टर असद को मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्या कहना चाहेंगे ये हाँ कहना चाहेंगे हाँ मैं ऐसा हूँ अच्छा अगर मनाने की बात है तो कैसे कैसे मनाएंगे जोया को अगर वो एक लड़की अगर रो रही है तो कैसे मनाएंगे आप डांट के या कुछ और नहीं ब्लूबेरी चीज केक ब्लूबेरी चीज केक एक तो अच्छी चीज केक है और कभी कभी मेरे लिए कॉफी भी बना के लाते हैं मिल्क एंड शुगर और कभी कभी मुझे केक भी खिलाते हैं मतलब बहुत अच्छे हैं तुम भी केक बनाती हो हाँ मैं भी केक बनाती हूँ सीडी डाल के मेरा प्रेजेंटेशन डाल के केक बनाती हो बाथरूम में लीकेज कर देती हो मैं इन वे इनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ बट ये अलग बात है कि हेल्पिंग मी ट्राई टू किल माइसेल्फ वैसे शो में तो ये आपको डोमिनेट करते हैं लेकिन सेट पे वैसे एज अ फ्रेंड कौन एक दूसरे को डोमिनेट करता है बस एक सिंपल रूल है अच्छा नहीं आप कहना चाहेंगे एक आंसर मिल गया नहीं क्या होता है कि एक लड़का और एक आदमी और एक लड़की औरत नहीं बोला नहीं हाँ ठीक है तो जो भी है मेल फीमेल तो इनसे कभी ये नहीं पूछना चाहिए था कौन डोमिनेट करता है क्योंकि अगर वो ये बोले कि मेल डोमिनेट करता है तो उसका मतलब एक ही है कि वो डिनाइल में उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है उसको लग रहा है इज इन कंट्रोल ऐसा कभी नहीं होता अच्छा वैसे इतनी धूप में शूट करना मतलब गर्मी कैसे कैसे कितनी परेशानी हो रही है एंजॉय कर रहे हैं इनको तो ठंड लग रही है स्वेटर पहने हुए इन्होंने भी जैकेट पहना था उन्होंने अभी उतारा है अच्छा आखिरी सवाल आज सेट पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था काफी घुलमिल गई थी कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे में शॉन सिंह ग्रोवर शॉन वो शॉन था जेनी का नेफ्यू और ही इज सच अ डार्लिंग किड ओ माय गॉड आई एम इन लव विद हिम ही इज इन लव विद यू या एक्चुअली वी आर इन लव विद ईच अदर तो आई होप कि वो दोबारा से कभी आएगा हमारे सेट पे आएगा क्यों नहीं आएगा हां वो आएगा और जाते टाइम मतलब ही वाज लाइक अबाउट टू क्राई वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था लेकिन जबरदस्ती इन्होंने उसे भेज दिया मैंने डम ओके थैंक यू सो मच